हम करेंगे बैलेंसिंग, टिन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट टिन एंड वाटर, ठीक है। तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, SNO2 प्लस H2 गिव्स आउट SN प्लस H2O, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या है, हमारे पास SN है, O है और H है, दोनों साइड कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, SN क्या है 1 दोनों साइड में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों साइड में 2 एंड ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट में 2 है, बट यहां क्या है, यहां पर आके एक कम हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम इन्हें बैलेंस करेंगे, मतलब यहां ज्यादा और यहां कम है, ठीक है। तो हमें दोनों साइड इक्वल करना है, तो यहां O2 है, ठीक है, और यहां पर क्या है, सिर्फ O है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड बैलेंस करने के लिए यहां 2 ऐड कर देंगे। अब ऑक्सीजन यहां 2 हो गया, यहां 2 हो गया, बट अब क्या हुआ, यहां हाइड्रोजन 4 हो गए और यहां हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो हम हाइड्रोजन में यहां 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब जो हमारी ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ये, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें क्या है, अब हमारे दोनों साइड क्या है, सारे जो कंपाउंड्स है वो इक्वल है, जैसे यहां SN1 यहां भी 1 यहां O2 और यहां O2 हो गए ये, ठीक है। अब H2 ये क्या है 2 2 4 और ये भी है 2 2 4, तो मतलब ये क्या है, हमारी एक बैलेंस इक्वेशन हो गई है। आई होप आपको समझ आएगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड